EBNW स्टोरी से डिम्पल अरोड़ा। इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी आप थोड़ा टाइम पहले ही प्रेगनेंसी के दौर से गुजरी, तो आई गॉट टू नो कि आप लास्ट डे तक काम कर रही थी। इट इज़ लाइक एन इंस्पिरेशन, जैसे मेजरली वेमेन आर लाइक कि 7-8 months से तो सब अपने घर पे रहते हैं, बट आपने लास्ट मिनट तक काम किया, सो इट्स लाइक एन इंस्पिरेशन। तो उस पर आपने कैसी चीज़ें मैनेज करी? इसमें डिम्पल मुझे लगता है एक गांव की महिला को भी अगर उनकी भी बात करते हैं तो वो सारा संघर्ष या फिर उस यात्रा को वैसे ही जीती है जैसे मैं जी रही हूँ। मेरा काम अलग था, मैं शहर की एक प्रथम नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी शहर की जिम्मेदारी थी, तो निश्चित रूप से जब शहर की जिम्मेदारी होती है तो मातृत्व कहीं शहर का भी माँ की तरह ध्यान रखना होता है, तो मातृत्व कहीं मेरा शहर वासियों के बीच में शहर के कामों में बीच में नहीं आए, तो इसके लिए थोड़ा सा समय का मैनेजमेंट करना होता है कि मुझे अपने बच्चे के लिए भी समय निकालना होता है। और जब प्रेगनेंसी थी तो उसमें मुझे लगा कि हाँ मेरा बच्चा मेरे साथ में है और उसके साथ में मैं काम करती, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, मुझे लगता कि बच्चा, क्योंकि अभिमन्यु ने बचपन में ही चक्रव्यूह वेदना बचपन में सीखा, अंदर दुनिया में आने से पहले सीखा, तो मुझे लगता कि मेरा बच्चा भी बहुत कुछ सीख रहा है, तो वो एक माँ वाला भाव भी था और काम करना तो मुझे हमेशा अच्छा लगता, तो इसलिए मैं लगातार काम करती ही गई। और जैसे ही डिलीवरी हुई तो उसके तीसरे दिन, क्योंकि अब शहर की जिम्मेदारी होती है तो आपकी आपको उस जिम्मेदारी का ख्याल रखना ही होता है, बच्चे को भी उतना ही ध्यान रखा जितना मैंने शहर का ध्यान रखा, तो ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पर इसमें गांव की महिलाओं की भी बात करते तो वो भी डिलीवरी के कुछ ही समय पहले काम कर रही होती है और उसके बाद में भी वो काम करती है। बट मेरी स्टोरी को आप सब ने मिलकर, अर्चना जी ने मिलकर पंख लगा दिए, दैनिक भास्कर ने भी मदर इंडिया करके एक एक बहुत बड़ी स्टोरी प्लान की जो फ्रंट पेज पर उन्होंने बनाई, पर उनकी स्टोरी नज़र नहीं आती है, वो छुपे हुए रहते हैं, मेरी सबको दिखाई देती। महिलाएँ हमेशा संघर्ष करती हैं और हमेशा महिलाओं के हाथ में जब भी जिम्मेदारी होती है वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाती है और उसमें अपने आप को साबित करती है कि हाँ मैं सृष्टा हूँ, मैं सृष्टि की धुरी हूँ, केंद्र बिंदु हूँ। मैम जैसे